नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं आपके साथ सिमी दानी। सरकारी स्तर पर कितनी संजीदगी से काम होता है और धरातल की वास्तविकता को जाने बगैर उसे कैसे अंजाम दिया जाता है, इसका एक जीवंत उदाहरण छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम में देखने को मिला, जब रायगढ़ नगर निगम ने हनुमान जी को वाटर टैक्स बकाए का नोटिस भेजा। इस नोटिस में हनुमान जी पर 400 रुपये बकाया बताते हुए टैक्स जमा करने को कहा गया। खास बात यह है कि हनुमान जी को जो नोटिस भेजा गया है उसमें श्रीमती बजरंग बली लिखा गया है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद नगर निगम भाजपा के निशाने पर आ गया है। बीजेपी ने नगर निगम पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया है। दूसरी ओर निगम जांच की बात कह रहा है। इससे पहले रायगढ़ में राजस्व विभाग भी भगवान शिव को अवैध कब्जे का नोटिस जारी कर चुका है। दरअसल रायगढ़ निगम की ओर से सभी वार्डों में अमृत मिशन के तहत नल कनेक्शन दिए गए हैं। उपभोक्ताओं के घरों में वाटर मीटर लगाए जाने के बाद अब बिल वसूली के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। इसी गड़बड़ी में निगम के कर्मचारियों ने बुधवार को वार्ड 18 के गुजराती पारा स्थित हनुमान मंदिर को पानी का बिल जमा करने का नोटिस भेजा। मंदिर प्रबंधन के नाम से भेजने की जगह बजरंग बली को ही हितग्राही बना दिया और उनके नाम के आगे श्रीमती लिख दिया, जबकि आत्मज में टेम्पल लिख दिया। मामला उजागर होने के बाद नोटिस सियासी हो गया। भाजपा पार्षद और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी के वार्ड में ही बजरंग बली का मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी अब इसका विरोध कर रही है। पूनम सोलंकी का कहना है कि पहले भी तहसील कोर्ट से भगवान शिव को बेदखली का नोटिस जारी किया गया था, बाद में जिला प्रशासन ने लिपिकीय त्रुटि बताते हुए खेद जताया था। अब नगर निगम ने भगवान पर नोटिस जारी कर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाई है, जिसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें, 7 महीने पहले ही शिवजी को नोटिस भेजा गया था, कोर्ट में हाजिरी का नोटिस भेजा गया था। करीब 7 महीना पहले इसी साल मार्च में नायब तहसीलदार ने शिव मंदिर को अवैध कब्जे का नोटिस भेजा था। साथ ही उन्होंने कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा था। पेश नहीं होने पर 10,000 रुपये जुर्माने की भी बात कही थी। इस पर स्थानीय लोग शिवलिंग को ही मंदिर से उखाड़ लिया और ट्रॉली पर उसे रखकर कोर्ट पहुंच गए। हालांकि फिर भी कोर्ट ने उन्हें नई तारीख दे दी। बाद में तहसीलदार ने इसे गलती मानते हुए माफ़ी मांगी थी। दरअसल कोर्ट की ओर से 10 लोगों को नोटिस दिया गया था। इसमें कोहाकुंडा के वार्ड 25 में बना शिव मंदिर भी शामिल था। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ातरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।